एक छोटा कंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कंट द एलिफेंट। दोस्तों पता है हमें हर रोज नई नई बातें कौन सिखाता है? वो है हमारी टीचर, जो स्कूल में हमें रोज कुछ नया सिखाती है। आई लव माय टीचर। वो रोज हमें होमवर्क देती है जिसे हम घर पर आकर पूरा करते हैं। मैं तो हर रोज अपना होमवर्क करके जाता हूँ। दोस्तों तुम सब भी करके जाते हो ना? टाइम पर होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। टीचर हमारा क्लास टेस्ट भी लेती है और उसमें लियो फर्स्ट आया था और मैं सेकंड। उसके बाद उन्होंने हमें 1 से 10 तक की गिनती लिखने के लिए कहा, लेकिन उसमें सबसे पहले मोमो ने गिनती पूरी कर ली और फिर हम सब ने। उन्होंने हमें अल्फाबेट्स भी सिखाए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। पता है 26 लेटर्स होते हैं, तुम सब जानते हो ना, आज रिवाइज कर लेना। और पता है टीचर हमें बाहर ग्राउंड में भी लेकर जाती हैं और हम अलग अलग खेलों के बारे में सीख लेते हैं। एक दिन हमने सोचा कि टीचर को कुछ गिफ्ट दिया जाए, इसीलिए हमने बगीचे से कुछ फूल तोड़कर उन्हें दे दिए और वो मेरी टीचर को बहुत पसंद आए। उन्होंने हमें ग्रीटिंग्स और मैनर्स भी सिखाए हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और प्लीज, वेलकम और थैंक यू। टीचर ने हमें दिनों के नाम भी सिखाए हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को मैं बहुत खेलता हूँ। टीचर ने हमें ये भी सिखाया कि कैसे कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई यानी तितली बनती है और वहाँ हमें बहुत मजा आया। अरे अरे तितली रानी, कहाँ चली कहाँ चली? उड़ गई। बाय, फिर मिलना। टीचर हमें सुंदर सुंदर ड्राइंग भी बनाना सिखाती है और पता है रेनबो यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और पता है टीचर ने मुझे अलग अलग शेप्स यानी आकार के बारे में भी बताया और सबसे फेवरेट आकार है हार्ट। इतना ही नहीं, वो तो हमें म्यूजिक भी सिखाती है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताती है। सारा दिन हमारे साथ रहती है टीचर, हम सब क्लास में खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों हमें अपनी टीचर की खूब इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे गुरु है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया। आज हम रंगों के नाम सीखेंगे और वुश 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 वुश, ये है रेड यानी लाल और ये गेंद है गई ट्रक में। अब दूसरा रंग देखते हैं। चलो चलो वुश 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 वुश, ये है ऑरेंज यानी नारंगी, भर गई सारी की सारी। अब देखते हैं अगला कलर कौन सा है। चलो 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 गेस करो, येलो यानी पीला, मेरा फेवरेट, आपको याद है ना? चलो नेक्स्ट पे, अब कौन सा कलर आएगा? ब्लू यानी नीला, और सारी बॉल्स फिट हो गई। अब बचा है आखिरी रंग, देखते हैं ये वाला कौन सा होगा। ग्रीन यानी हरा, डुंग 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 डुंग। चलो देखते हैं, सारे कलर्स हो गए। अरे आप सोच रहे होंगे ये ट्रक कहाँ जा रहा है, और ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो ये सारी गेंदें आ रही हैं केंट के पास। ये मजा आ गया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लाल गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। तो मेरे पास आ रही है ऑरेंज यानी नारंगी गेंदे और ये आ गई। मेरा नाम है केंट, वो मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लाल और नारंगी गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। मजा आ गया। अब देखता हूँ कौन सा ट्रक आएगा। वाह, ये तो मेरा फेवरेट रंग है। आ जाओ जल्दी आ जाओ, केंट इंतजार कर रहा है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन, है ना? अब कौन सा ट्रक आएगा? आ जाओ आ जाओ।
यानी नीला, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वाहू, मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। अब कौन सा ट्रक बचा है? लास्ट ट्रक बचा है, देखता हूँ कौन सा कलर होगा। ओ, ये तो ग्रीन है, यानी हरा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। लाल नारंगी पीली नीली हरी गेंदे हैं मेरी पसंद, इनसे खेलने का है मेरा मन। पानी के बिना बाथटब में ऐसी गेंदों से खेल सकते हैं। बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मैं मेले में बहुत मस्ती करूँगा। वाओ, कितने सारे खिलौने हैं, आज तो बहुत मजा आएगा। पर लगता है ये सारे खिलौने मुझे मिल नहीं सकते, इनके लिए मुझे 3 टिकट्स खरीदनी होगी। अरे वाह, लुक तुम भी यहाँ हो। पहला चैलेंज है इन गेंदों को कैच करना, नीचे एक भी नहीं गिरनी चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। हाँ, मैं एक भी गिरने नहीं दूंगा, दूर जाके पकड़ूंगा। जल्दी जल्दी, स्विमिंग पूल में गिरने नहीं दूंगा, जल्दी से पकड़ लूंगा। मुझे पहली टिकट मिल गई, मतलब एक चैलेंज पूरा हो गया। अब दूसरी टिकट, अगला है बाइसिकल चैलेंज, इसे भी पूरा करूंगा। आसान लगता है, नहीं मुश्किल लगता है, डर लग रहा है, कैसे करूंगा। पर यही तो चैलेंज है, अपनी डर से आगे बढ़ के चैलेंज को पूरा करना। और ये देखो, मैंने पूरा कर लिया। अब मुझे मिलने वाला है मेरा इनाम, यानी कि दूसरी टिकट। देखो मिल गई, मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा और टिकट मिल गई। दूसरा चैलेंज भी पूरा हुआ। अब है तीसरा चैलेंज, यानी हुला हुप चैलेंज। ये तो मैं आसानी से कर लूंगा, गोलू मोलू हो ना इसलिए। चलो चलो करता हूँ। अरे गिर गया, फिर से कोशिश करके देखता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो, अरे वाह, गोल 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 गोल, और फेंको, फेंकते रहो, बहुत बढ़िया, मैं नहीं रुकूंगा। तीसरा चैलेंज पूरा हुआ और टिकट मिल गई। तीनों टिकट मिल गई, अब टेडी बेयर भी मिल जाएगा। ये चलो। ये लो। अब बस देखना है कि नंबर्स मैच करेंगे या नहीं। काश मैच कर जाए। अरे वाह, टेडी मिल गया। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा, बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज बड़ा मजा आएगा, देखना मेरे फ्रेंड्स। अरे ये घर इतना फीका और बेरंग क्यों लग रहा है? चलो इसमें रंग भरते हैं और इसमें डिजाइन भी बनाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ रहा है सर्कल, यानी गोला। देखिए ये कहाँ फिट होता है। आ गया। अब देखते हैं ये कहाँ आएगा। रेक्टेंगल, यानी समकोण। ये यहाँ फिट हो गया। अब कौन सा आकार रहेगा? स्क्वायर, यानी चौकोर। इसे यहाँ सेट कर देता हूँ। अब ट्रायंगल, यानी त्रिकोण। और ये जाएगा घर के सबसे ऊपर। इसके बाद आएगा स्टार, यानी सितारा। ये घर के ऊपर लगाऊंगा, बड़ा प्यारा लगेगा। और ये पूरा हो गया। ये ये वाला है ऑरेंज, यानी नारंगी। त्रिकोण था रेड, यानी लाल रंग का। चौकोर था येलो, यानी पीले रंग का। और गोला था ब्लू, यानी नीले रंग का। और पता है, सितारा था पिंक, यानी गुलाबी रंग का। वाह, ये टास्क तो मैंने पूरा कर लिया, बहुत मजा आया दोस्तों, है ना? बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका प्यारा सा छोटा सा एलिफेंट। आज बहुत गर्मी है। अच्छा, ये ठंडा जूस है। अरे ये भी खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे टिम, इतनी गर्मी है ना। अरे वो देखो, मोमो के पास आइसक्रीम है, चलो चलकर उसे मांगते हैं। हमें आइसक्रीम दे दो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना मोमो, प्लीज हमें भी आइसक्रीम दो ना, बहुत गर्मी है मोमो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मोमो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। अरे ये
I'm sorry. कोई बात नहीं। लुक रुको, हमें भी आइसक्रीम खानी है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छुटकुसा एलिफेंट। लुक है हमारा बेस्ट फ्रेंड, वो है बहुत इंटेलिजेंट और आइसक्रीम देगा इन द एंड। नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। अब कहाँ भाग के जाओगे लुक, अब तो आइसक्रीम देनी ही पड़ेगी। नाराज मत हो, हम सब मिलकर खाएंगे। मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैं तुम सबके लिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम लाया हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। मिलकर खाने में ही तो असली मजा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे खिलौने बहुत सिंपल है, आज मैंने पेंट करूंगा। मेरा नाम है केन, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। आज करूंगा खिलौनों को पेंट, बड़ा मजा आएगा सच में मेरे फ्रेंड्स। टकबक टकबक, अरे वाह, मेरा हॉर्स यानी घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। आपको पता है दोस्तों, घोड़े ना खड़े होकर और लेटकर दोनों तरह से सो सकते हैं। और खाने में ना ये सिर्फ घास खाते हैं, इनकी लाइफ 25 इयर्स तक ही होती है। और बड़े होकर मैं हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी भी सीखूंगा। हॉर्स जहाँ रहता है उसे अस्तबल कहते हैं, और इसके अस्तबल का कलर है ग्रीन यानी हरा। हेलो दोस्तों, ये मेरा दूसरा खिलौना है डक यानी बतख, इसे भी पेंट कर दूंगा। क्वैक 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 क्वैक। और ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? हाँ, रंग के अंदर। ओह, कितना सुंदर लग रहा है, ये रंग इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है दोस्तों, बतख के पंख ना वाटरप्रूफ होते हैं, यानी वो पानी में जाने पर भी गीले नहीं होते। उन्हें खाने में पौधे और मछलियाँ पसंद है, और वो बहुत ही प्यारे और सुंदर होते हैं। और अब ये डक जा रही है अपने घर में, जिसका रंग है येलो यानी पीला। ये मेरा फेवरेट कलर है। हेलो दोस्तों, ये है मेरा तीसरा खिलौना डियर यानी हिरन। अब देखते हैं ये किस रंग का बनेगा। और ये कलर हो रहा है, वाओ कितना प्यारा लग रहा है ये। दोस्तों तुम्हें पता है, हिरन के सर पर ना सींग होते हैं, जैसे काऊ के भी होते हैं। ये ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं और तैर भी सकते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जा रहा है अपने घर में, जिसका कलर है ऑरेंज यानी नारंगी। गया अंदर। हेलो दोस्तों, ये है मेरा फेवरेट टॉय, मेरा प्यारा सा डॉगी। मेरे पास घर पे एक डॉगी है जिसका नाम है ब्रूजो। चलो ब्रूजो पूल में जाओ, कलर हो जाओ, जाओ 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 जाओ, ये गया। बहु 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 बहु, कितना प्यारा लग रहा है ये। ब्रूजो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और डॉग्स बहुत फेथफुल भी होते हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ ना, तो वो मुझे बहुत मिस करता है, लेकिन जब मैं वापस आ जाता हूँ तो खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। और अब ये जा रहा है अपने घर, जिसका कलर है रेड यानी लाल। बाय ब्रूजो। हेलो दोस्तों, अरे ये तो मैं ही हूँ, छोटू सा एलिफेंट यानी हाथी। जाओ हाथी मेरे साथी। हाथी की आवाज को बोलते हैं ट्रम्पेट, ट्रम्पेट 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 ट्रम्पेट, गो गो गो, गया। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ये। अब मैं आपको एलिफेंट्स के बारे में बताता हूँ। हम लोग ना दुनिया के सबसे बड़े एनिमल्स हैं, और मुझे बहुत भूखू लगती है, लेकिन मुझे सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्लांट्स ही पसंद है। मैं छोटू एलिफेंट हूँ ना, इसीलिए मुझे काफ कहते हैं। चलो अब मैं अपने बॉक्स में जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरे बॉक्स का कलर है ब्लू यानी नीला। मैं फिर से आ गया दोस्तों, और मेरा अगला टॉय है स्नेल। चलो चलो स्नेल, चलो क्यूटू क्यूटू छोटे से, जाओ 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 जाओ, कलर हो जाओ। देखते हैं इसे कौन सा रंग मिलता है। अरे वाह, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। स्नेल ना
बहुत स्लो चलते हैं। कुछ 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 कुछ। और केंटू कभी कभी उनके साथ खेलता भी है। वो बहुत प्यारे होते हैं, किसी को कभी तंग नहीं करते। उनके सर पे ना दो ट्विंग होते हैं और वो बड़े प्यारे होते हैं। और जब ये चलते हैं तो पीछे कुछ चिपचिपा सा छूट जाता है। इसके घर का कलर है पर्पल यानी बैंगनी। गई अपने घर में, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। केंट, तुम तो मेरे बारे में बताना भूल गए। मैं हूँ लूक, तो चलो व्हीकल्स के नाम सीखें। हाँ चलो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। मेरे साथ है लूक मेरा फ्रेंड, कुछ नया सीखेंगे हम तारों के संग। वाओ, तारे ने तो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वो लेकिन ये है क्या? मुझे तो लग रहा है ये बोट यानी नाव है। हाँ, तुमने सही पहचाना केंट, हम दोनों ने पहचान लिया। नाव पानी में तैरती है। वाह, क्या बात है। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। हाँ? पहले आई थी नाव मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो केंट, डिजाइन बन गया। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये एयरप्लेन यानी हवाई जहाज है। हाँ, और जहाज में बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। मजा आ रहा है क्योंकि हम सब इसे पहचान रहे हैं। हे! मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले आया था जहाज मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो देखो, एक और डिजाइन बना। हाँ, देखो देखो, एक और डिजाइन बन गया। अरे ये तो बस है। हाँ सही कहा लूक, हम इसी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बस में हम बहुत मस्ती करते हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। पहले आई थी बस मेरे फ्रेंड, अब देखते हैं क्या होगा इन द एंड। देखो ये कितना प्यारा ड्रॉ किया है ना। क्या ये साइकिल है? हाँ हाँ वही है, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इससे हम बहुत स्वस्थ रहते हैं। यस, हमने कर दिखाया। हमने आज बहुत सारी व्हीकल्स के नाम सीखे। बाय बाय। बहुत मजा आया, हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट। आज मुकाबला है ल्यूक के संग, बड़ा मजा आएगा देखना मेरे फ्रेंड्स। दोस्तों, आज फुटबॉल के मैच के दौरान हम रंगों के नाम भी सीखेंगे। मारो, और ये मारा। देखना, मैं बॉल को रोक लूंगा और गोल नहीं होने दूंगा। आजा 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 आजा। अरे नहीं, लेकिन मैं जीत गया। देखता हूँ मुझे कौन से रंग का बैज मिला है। आ जाओ आ जाओ, रेड यानी लाल। और मैं जीता इसीलिए मुझे एक और गोल करने का मौका मिलेगा, तो मैं तैयार हूँ। ये वाला भी जीतूंगा। अब की बार तो रोक कर ही रहूंगा। आजा आजा। ये मारा। गोल 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 गोल। पकड़ ली पकड़ ली। ये मैं जीत गया। अरे ये क्या हो गया? हम मैं एक और गोल नहीं कर पाऊंगा। मैं जीता हूँ और इस बार मुझे मिला है ग्रीन बैज यानी हरा। बड़ा मजा आया, अब मैं केंट को नहीं जीतने दूंगा और इस बार गोल मैं मारूंगा। इस बार केंट जीतने नहीं देगा, इस बार केंट पकड़ लेगा। अच्छा ये लो। आजा 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 आजा, और मैं पकड़ लूंगा। पकड़ तो गिर गया। केंट, मैं तो जीत गया। ऐसा फिर से हो गया। और मैं जीत गया। देखते हैं कौन से रंग का बैज मिला है। ये है पिंक यानी गुलाबी। मैं फिर से जीता, तो अब मैं फिर से गोल करूंगा।
तैयार हो केंट। केंट इस बार जीत कर ही रहेगा, केंट को जीतना ही होगा। गोल नहीं जाने दूंगा। तो ये आ रहा है गोल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हो गया? अरे कहाँ गई कहाँ गई? अरे पीछे चली गई। ओ फिर से निकल गई। वो मैं फिर से जीत गया। इस बार मुझे मिला है येलो बैज यानी पीला। अरे ये तो मेरा पसंदीदा रंग है। केंट मेरे पास 3 बैज हो गए, अब एक और बैज जीतूंगा। इस बार तो केंट जीत के ही रहेगा किसी भी हाल में। अब मैं जीत जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ, पकड़ लूंगा पकड़ लूंगा, इस बार पकड़ लूंगा। आई पकड़ लिया, बोला था। अरे ये केंट जीत गया। ये फिर से विनर हो गया। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? देखते हैं कौन से रंग का बैज मिलेगा। ब्लू यानी नीला। वाह अब गोल करने की मेरी बारी है। फिर से आ गया मैं। इस बार तुम गोल नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। मैंने बॉल पकड़ ली। ये मैं फिर से जीत गया। ये कैसे हो गया? अब क्या करूं? मुझे मिला है ऑरेंज बैज यानी नारंगी। ये मेरा दोस्त लूक जीत गया। कोई बात नहीं, अगर मैं हार गया तो क्या हुआ? मेरा दोस्त तो जीत गया ना, और दोस्तों की जीत अपनी ही जीत होती है। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। और जानते हैं आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? कोई गैस कर सकता है? चलो देखते हैं। पहले मैं इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करूँगा और गैस करना मैंने क्या बनाया है। कौन सा शेप है ये? कोई गेस कर सकता है? मैं बताता हूँ, ये है रेक्टेंगल यानी आयताकार। अब मैं इसमें एक दूसरे कलर की चॉक से कलर भर देता हूँ। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? वाओ! अब बताओ ये कौन सा कलर है? पिंक यानी गुलाबी। और गुलाबी रंग की लॉलीपॉप्स होती हैं। सही कहा ना? चलो दोस्तों अब दूसरे आकार की बारी है। बताओ ये कौन सा आकार है? आकार को शेप भी कहते हैं। तो ये कौन सा शेप है? ये है सर्कल यानी वर्ग। अब मैं इसमें भरने जा रहा हूँ रंग, जिससे ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। और आपको गेस करना है कि मैंने इसमें कौन सा रंग भरा है? कौन सा कलर है ये? हाँ येलो यानी पीला, जिस रंग का सूरज यानी सन होता है। ये चलो फिर से गेस करो कि मैं क्या बना रहा हूँ। बताओ बताओ कौन सा शेप है ये? कोई गेस कर सकता है? ये है स्क्वायर यानी चौकोर। अब मैं इसके अंदर एक प्यारा सा रंग भरने वाला हूँ। अब तुम सबको इस रंग को पहचानना होगा। तो कौन सा कलर है ये? बताओ। ये है ग्रीन यानी हरा, जिस कलर की ब्रोकली होती है। अब मेरे पास 3 आकार हो गए। अब मैं इन 3 आकारों से एक बस बनाऊंगा। ये आया आयत, उसके बाद गोले से टायर्स और चौकोर की खिड़कियाँ। अब थोड़ी सी फिनिशिंग दे देता हूँ और तैयार है मेरी बस, जो कि जाने के लिए एकदम तैयार है। अब मैं जा रहा हूँ और अगली बार फिर मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। आज मैं किसी से दोस्ती कराने आया हूँ। उसका नाम है एली पंजल। मेरा नाम है केंट,
मैं हूँ छुटकू सा एलिफेंट, तुम्हें करूँगा एंटरटेन। प्लीज बन जाओ ना मेरी फ्रेंड। लेकिन मैं ऊपर कैसे आऊँ? मुझे ऊपर आना है, ऊपर आना है। अब कैसे मिलूंगा तुमसे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं ये एप्पल यानी सेब खा लेती हूँ, इससे मेरी चोटी लंबी हो जाएगी। वाह, देखा। मैं इस लाल रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। यस। अरे नहीं नहीं, आ पा रहा हूँ। अब क्या करें? हाँ? अरे वो देखो। हाँ? मुझे तो टिम ने काम दिया है, इसे खा लेती हूँ। देखा, चोटी और बड़ी हो गई। ये मैं पीली रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। अरे नहीं आ पा रहा। अब क्या करेंगे? पता नहीं। रुको, मेरे पास आइडिया है। ये लो नाशपाती। ठीक है, जल्दी से इसे खा लो। देखो मेरी चोटी और लंबी हो गई। अब मैं जल्दी से हरे रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा। अरे नहीं, इससे भी काम नहीं बना। मुझे नहीं लगता केंट तुम ऊपर आ पाओगे। अरे ये धम 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 की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये तो डायनो अंकल है। ये भी मेरे लिए फल लाए हैं। ओह, ब्लूबेरीज। वाह, अब मैं नीले रंग की चोटी को पकड़कर ऊपर चढ़ ही जाऊंगा। हाँ। ये लो, मैं आ गया। यप्पी। मैं आ रहा हूँ, चढ़ के आ रहा हूँ। मैं आ गया। बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज मेरा दोस्त टिम सब्जियां लाने वाला है, वो भी किचन में काम करेगा मेरे साथ। देखो मोमो सब्जियां लेकर आ गया। अब हम कुछ खाने के लिए बनाने वाले हैं। आज बनेगा सब्जियों का सूप जो हम मिलकर खाएंगे। अरे इसने तो पूरा खत्म कर दिया। तो क्या हुआ, हमारे पास ब्रोकली है। अरे वाह, ब्रोकली तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इसका सूप बनाकर पीने से हमें बहुत ताकत आती है। इसमें विटामिन्स होते हैं जैसे ए सी ई। अरे मोमो, सूप को आराम से पियो। लगता है मोमो को बहुत ज्यादा ही भूख लग रही है। अरे मेरा भी सूप खत्म हो गया, आ जाओ यहाँ से। चलो अच्छा है, अब मैं आराम से अपना कैरेट यानी गाजर का केक बनाऊंगा। पता है ये बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, हमें गाजर खाना चाहिए। बन गया मेरा केक। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देता हूँ। अरे वाह, केक भी खा जाऊंगा। चलो अब साथ में कुछ स्पिनच यानी पालक का सैलेड भी बना लेता हूँ। पालक में बहुत सारा आयरन होता है, इसका सूप भी बना सकते हैं दोस्तों। मेरा सैलेड तो बन गया। इसे केक के पास रख देता हूँ और अब टिम को खाने के लिए बुला। अरे ये क्या आवाज थी? अरे मेरा केक और सैलेड दोनों गायब हो गए। ये कैसे हो गया? हाय केंट, मैं मटर लेकर आया हूँ, खाकर देखो कितनी मीठी है। हाँ सच में, चलो इसका कुछ बनाते हैं। इन्हें नरम बनाने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक डालकर उबाल लेते हैं। ये डाला नमक और घुमा दिया। हाँ, मैं एवोकाडो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह, तुम कितना कुछ लेकर आए हो। एवोकाडोस खाने से हम बहुत फुर्तीले हो जाते हैं। इन्हें टमाटरों के साथ मिलाकर बढ़िया सा सूप भी बना सकते हैं और सैलेड में काट कर भी खा सकते हैं। एवोकाडो मेरी मम्मा को बहुत पसंद है। चलो मटर के साथ इन्हें खाएं। अरे सारा खाना कहाँ गायब हो गया? ये क्या हो रहा है, सारी सब्जियाँ नीचे क्यों पड़ी हुई है? चलो देखते हैं। आज तो बहुत खा लिया, पेटू फट रहा है। तुम सब कुछ खा गए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ। हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया, आपका प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। लेकिन आज मैं आपको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त टिम की कहानी सुनाने वाला हूँ जो अलग अलग कलर्स दिखाएगा। और कलर्स के बारे में जानने के लिए वो अपने हवाई जहाज में निकल पड़ा और ये चला जहाज कर। वहाँ उसने इंद्रधनुष भी देखा। पता है दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। फिर उसने पीले डैफोडिल्स का बड़ा बाग देखा। उसके बाद दूर दूर तक फैला हुआ नीला समंदर जिसमें अलग अलग रंग की मछलियाँ भी थीं। दुनिया कितनी रंगीन है ना दोस्तों। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे दादाजी का संतरों का एक बड़ा सा बाग था।
और संतरे होते हैं नारंगी रंग के और उसके पेड़ की पत्तियाँ हरी थी और तितलियाँ भी थी नीले रंग की। मुमू के घर में ऑर्किड के फूल लगे हैं जो बैंगनी रंग के होते हैं और उसके यहाँ स्ट्रॉबेरीज भी हैं जो कि लाल रंग की होती है। जब हम उसके घर जाते हैं तो ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। अब चलते हैं टिम के पास। टिम ने उड़ते वक्त सफेद डव पक्षियों को भी देखा। कितने सुंदर है ना? पता है सफेद रंग और डव पक्षी दोनों ही शांति का प्रतीक होते हैं। रात के वक्त अंधेरा होता है और वो काले रंग का होता है। टिम थक गया तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया जिसका कलर था भूरा। गुड नाइट टिम, बाय। दूसरे दिन वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने हवाई जहाज में पूरी दुनिया का सफर कर लिया। गोल 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 बस घूमता ही रहा। अरे गोल गोल इसलिए क्योंकि दुनिया गोल होती है ना। चलो अब रिवीजन करते हैं। ये है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, पर्पल यानी बैंगनी और ये है रेड यानी लाल और टिम का फेवरेट पिंक यानी गुलाबी। अगला वाला है व्हाइट यानी सफेद और ये देखो काले रंग का चमगादड़ और इस उल्लू का कलर है ब्राउन यानी भूरा। देखो कितने सारे रंग हैं। बाय बाय दोस्तों, रंगों को भूलना नहीं और मुझे बताना तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अगली बार मिलूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो चलो उठ जाओ, सुबह हो गई बेटा, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। हाँ? किंतु सुबह सवेरे उठता है, रात को जल्दी सोता है, उठते ही जाता है बाथरूम में ब्रश करता है येलो ब्रश से। येलो यानी पीला। टिंग 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 निंग 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 निंग। फिर नहाता है गर्म पानी से, साबुन लगाता सफेद 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 यानी व्हाइट। मम्मा लाती है लाल ड्रेस जो नहीं होती है प्रेस। चेंज करो। फिर लाती है हरी ड्रेस जिससे कैंट नहीं होता इम्प्रेस। फिर आती है नीली ड्रेस और वो है उसकी फेवरेट। ये अब वो जाएगा बाहर और वहाँ पर आएगी उसकी, क्या आएगी उसकी, बोलो बोलो बोलो। हाँ, उसकी स्कूल बस। बस में है उसके दोस्त जो मिलते हैं उसको हर रोज। बाय बाय। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। आज सॉल्व करूँगा पजल मेरी फ्रेंड्स, बड़ा मजा आएगा देखना टिल द एंड। चलो बताओ इसमें क्या हो सकता है, बताओ बताओ। वाह, ये तो पैर लग रहा है। अरे ये भी पैर है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसे कैसे जोड़ूंगा। अरे अरे ये तो हिल रहा है। ये तो लायन है यानी शेर, जंगल का राजा। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। कार्ड्स आ गए, इस बार मैं पहचानने की कोशिश करूंगा। चलो फ्रेंड। वाओ, ये तो मैं लग रहा हूँ, पर कुछ कह नहीं सकता, वो पूरा देखना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा। अरे अरे अरे, ये तो मैं ही हूँ, चुटकू सा एलिफेंट यानी हाथी। अब देखते हैं अगला कौन सा आएगा। चार कार्ड आए, देखते हैं कौन सा। अरे ये क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ समझ आ गया, मैं बता सकता हूँ। आप बता सकते हो फ्रेंड्स। ये है एलिगेटर यानी घड़ियाल। तो दोस्तों आज हमने सीखा लायन यानी शेर और एलिफेंट यानी हाथी। बाय बाय। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।
मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकू सा एलिफेंट। हम जाएंगे इन द ट्रेन, आज सीखेंगे फलों के नेम और साथ में गिनती भी होगी मेरे फ्रेंड्स। वन वाटरमेलन यानी एक तरबूज। चलो आगे बढ़ते हैं। चिक 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 चिक, आगे कौन सा आएगा देखते हैं। टू एप्पल्स यानी दो सेब। चिक 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 चिक, वाह मजा आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या है। पुश पुश पुश। थ्री मैंगोज यानी तीन आम। आम तो मेरा फेवरेट है, आपका फेवरेट कौन सा है? फोर स्ट्रॉबेरीज यानी चार स्ट्रॉबेरीज। चलो आगे देखते हैं और क्या है। चिक 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 चिक। यहाँ पर क्या होगा? फाइव ऑरेंजेस यानी पांच संतरे। मजा आ रहा है दोस्तों और सीखने को भी मिल रहा है। हाँ पहुँच गए। पुचक 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 पुचक। सिक्स ड्रैगन फ्रूट यानी छह ड्रैगन फ्रूट। ये रेल गाड़ी चक 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 चक, रेल गाड़ी चक 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 चक, बूम बूम चुक 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 चुक। सेवन पैर यानी सात नाशपाती। मैं अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा हूँ, टिम लुक और पेग्रो। पहुँच गए। एट बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के आठ गुच्छे। ये आपको भी मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? हाँ पहुँच गए। नाइन कीवीज यानी नौ कीवी। कीवी 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 कीवी, चुक 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 चुक। टेन बनानास यानी दस केले। बाय बाय दोस्तों। हाँ मौसम भी कितना प्यारा है ना। अरे केंट कहाँ चला गया? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये लो तुम सबकी आइसक्रीम। टिम तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी। लुक और मोमो तुम दोनों के लिए भी लेकर आ रहा हूँ। मैं अभी आया। अरे नहीं ये क्या हो गया? मेरी आइसक्रीम गिर गई। I'm sorry। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। चलो अब जल्दी से गले लग जाओ। ये देखो देखो मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। ये लो केंट मेरे प्यारे दोस्त। चलो केंट अब तुम खुश हो तो इसी बात पर एक प्यारा सा गाना सुना दो। अच्छा ठीक है तो सुनो। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छोटू सा एलिफेंट। खुश रहना है एक्सेलेंट, लेकिन रोना नहीं है रेलेवेंट। इमोशंस के बिना नहीं है एंटरटेनमेंट। मजा आ गया। चलो एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी तो गेम में हार जाने पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने मन को शांत करके अपने दोस्त को सॉरी कहते हैं तो गुस्सा भाग जाता है। चलो चलो भागो भागो जाओ जाओ जाओ। कभी कभी हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारा कितना सारा काम बचा है, कुछ समझ नहीं आता, और तब हमारी टीचर हमारा साथ देती है और काम पूरा करने में हमारी मदद करती है। पता है दोस्तों, हम हमेशा एक जैसा नहीं सोच सकते। हम सब में सारी फीलिंग्स होती हैं। ये बात हमें टीचर ने ही सिखाई है। आप सोच रहे होंगे ना हम में क्या फीलिंग्स होती हैं? रुको मैं समझाता हूँ। कभी कभी हम सब खुश होते हैं, कभी कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं, तो कभी कभी घबरा जाते हैं। पता है एक दिन क्या हुआ? टीम को मस्ती करनी थी, हम सब पिकनिक पर थे और अचानक उसने हमें डरा दिया। वो बहुत मस्ती के मूड में था और हमने उस दिन बहुत मजे किए। वाह आज मजा आ रहा है ना? वो देखो गुब्बारे वाला। चलो गुब्बारे खरीदते हैं। अरे ये बने क्यों लड़ रहे हैं? बाप रे बहुत गुस्से में लग रहे हैं। सब सब इधर आ जाओ। टीम तुम जाओ समझाओ। ये लो और लड़ाई मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तुम लोग क्यों दुखी हो? ये गुब्बारा लो और जल्दी से मुस्कुराओ। दादी माँ ये लीजिए आपके लिए। अरे वाह सब कितने खुश लग रहे हैं ना। चाहे जो भी हो जाए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और बाकियों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों, केंट आपसे जल्द ही मिलेगा। Thank you.
फेवरेट छोटा केंट।